Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss transistor. Transistor is a device which is used to amplify the signal like voltage or current. Just amplification we use the same means to enhance or increase the size of signal. सबसे पहले discuss करेंगे construction of transistor. Then we will discuss two types of transistor, field effect transistors and bipolar junction transistors. और further जो detail होगी वो lecture में सारी हमारी discussion bipolar junction transistors पे होगा, which consist of emitter, collector, base. एमिटर जंक्शन एंड बेस जंक्शन एंड लास्ट में वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर. सो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को. ट्रांजिस्टर की टू टाइप्स होती हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो आपके जो है सिलेबस में ज्यादातर डिस्कशन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पे, इसलिए हम डिटेल में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को डिस्कस करेंगे. फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो यहाँ पे जस्ट डिफाइन करेंगे हम बाइपोलर मीन टू पोल्स. तो यहाँ पे बाइपोलर है क्योंकि आपको पता है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को भी पोल्स ही बोलते हैं, ये बाइपोलर है. तो दैट्स मीन आपके पास ये जो ट्रांजिस्टर है ये दोनों चार्ज कैरियर का यूज करता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर के साथ भी फंक्शन कर सकता है और नेगेटिव के साथ भी. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. और जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं इट ओनली मेक यूज ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स सिंगल, यानी कि आपके पास बाइपोलर में मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों की वजह से ये फंक्शन कर सकता है, लेकिन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यूनिपोलर होता है, कोई सिंगल पोल यूज करता है और एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो भी पोल एक्ट करो सिर्फ उसी के यूज से ये वर्किंग करता है, तो इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं. तो अभी हम जो पढ़ेंगे डिटेल में वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है. और बाइपोलर जो जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है इसकी फर्दर टाइप्स होती है जिनको हम एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं. तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन को. आपके पास जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है दे कंसिस्ट ऑफ थ्री रीजंस, थ्री इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसमें. फर्स्ट वन इज नोन एज एमिटर, सेकंड इज बेस एंड थर्ड इज कलेक्टर. तो यहाँ पर इसके ये जो तीनों पार्ट्स हैं इनको हम डोपिंग की हेल्प से बनाते हैं. तो कंस्ट्रक्शन में ये तीनों इलेक्ट्रोड सबसे पहले हम बनाते हैं. तो आपके पास आपको पता है कि अगर हम डोपिंग करें सिलिकॉन या जर्मेनियम में तो उसमें हम पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज की एडिशन करते हैं. तो आपको पता है कि पेंटावेलेंट जो इम्प्योरिटी एडिशन होती है वो पेंटावेलेंट मीन फाइव इलेक्ट्रॉन्स कैरी करती है और उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है. तो आप सिलिकॉन या जर्मेनियम के बीच में जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की एडिशन करते हैं तो उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. इसी तरह अगर आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दें सिलिकॉन या जर्मेनियम में तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, थ्री होते हैं उसके अंदर. तो उस डोपिंग की वजह से वहाँ पे होल्स जो है आपके पास ज्यादा हो जाते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के बीच में. तो जब आप डोपिंग करते हैं पेंटावेलेंट के साथ तो एन टाइप बनती है, यानी कि अगर आप सिलिकॉन के बीच में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की एडिशन करते हैं तो आपके पास एन टाइप बन जाता है. और अगर आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की एडिशन करते हैं तो पी टाइप यानी कि मेजोरिटी ऑफ होल्स बनते हैं. और फिर हम उस एन और पी टाइप को जब ज्वाइन करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि ये पी एन जंक्शन है या डायोड है. तो सिमिलरली फॉर द ट्रांजिस्टर वी नीड डोपिंग. यहाँ पे जो डोपिंग हम करते हैं टू मेक एमिटर, इसमें तीन तरह की हम डोपिंग करते हैं, तीन पीसेस बनाते हैं. सिलिकॉन फॉर एग्जांपल अगर आप यूज कर रहे हैं तो सिलिकॉन के जो तीनों पीसेस होंगे उनमें आप एक पीस को एमिटर बनाते हैं, एक को बेस और एक को कलेक्टर. इन तीनों को में जो बेसिक डिफरेंस होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के इन तीनों पार्ट्स में वो ये होता है कि आपके पास एमिटर जब आप बनाते हैं तो इसमें आप हेविली डोप करते हैं, मतलब आप इसमें एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी का जो पोर्शन होता है वो ज्यादा आप ऐड करते हैं. तो एमिटर का मीनिंग ये होता है टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स और टू इजेक्ट द चार्ज कैरियर्स. तो यहाँ पर आपके पास हैवीली डोप जो आप पीस रखेंगे सिलिकॉन या जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर बनाने के लिए उसको आप एमिटर बोलेंगे. और सेंटर में जो पोर्शन होता है बेस का इसको हम बहुत ही थिन रखते हैं, बहुत लाइटली डोप्ड होती है बेस. और इसकी जो आपके पास सिंपल इतनी लाइटली डोप्ड होती है कि सिर्फ टेम्परेचर माइनस सिक्स मीटर थिकनेस हम इसकी रखते हैं. तो इसमें आपने अगर दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं एन पी एन और पी एन पी, तो सेंटर में आप पी टाइप बेस बनाएंगे एन टाइप. दोनों केसेस में आप बेस को बहुत थिन रखते हैं, इतनी थिन रखते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांजिट कर सके दूसरी साइड पे. और जो आपकी बिल्कुल राइट साइड पे होता है ये पीस, ये आपके पास ना तो हेवली डोप्ड होता है ना लाइटली डोप, इसे आप कलेक्टर बोलते हो. ये बिल्कुल सिंपल सा है आपके पास प्रोसीजर ट्रांजिस्टर बनाने का, सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसकी कि आप एक एमिटर बनाएं, बेस बनाएं, कलेक्टर. फिर हम इन तीनों को ज्वाइन कर देते हैं, जैसे पी एन एन टाइप में हम ज्वाइन करके डायोड बनाते हैं सिंपल.
आप ट्रांजिस्टर के भी के लिए भी इन तीनों डिफरेंटली डोप्ड जो पीसेस होते हैं उनको आप ज्वाइन कर देते हैं। जब आप इन तीनों को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर एक कॉमन इलेक्ट्रोड या टर्मिनल आपका आता है जो कि बेस होता है, और इसके राइट और लेफ्ट साइड पे दो टर्मिनल होती है जो कि एक एमिटर होता है और एक कलेक्टर। तो इसमें आपकी जो लेफ्ट साइड पे जो पोर्शन है आपका एमिटर बेस की साइड पे जो पोर्शन है ये आपका इनपुट होता है ट्रांजिस्टर में, यानी कि जिस सिग्नल को आपने एम्पलीफाई करना है उसको हम एमिटर से कनेक्ट करते हैं, और एमिटर से वो मूव होकर कलेक्टर पे एम्पलीफाई होकर इसको आउटपुट टर्मिनल बोलते हैं, वो इस आउटपुट पे हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसी वजह से इसका नेम कलेक्टर है, टू कलेक्ट द आउटपुट। यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस की हेल्प से कलेक्शन करते हैं। तो सिंपल है, सिंपल ट्रांजिस्टर के तीन पार्ट्स है, एमिटर, बेस, कलेक्टर। और इन तीनों पार्ट्स में जो है वो सिर्फ जो डिफरेंस है वो उनकी डोपिंग का होता है, वो मैंने आपको पर्पस बता दिया है, इसलिए हम इसको अलग अलग तरीके से डोप कर रहे हैं। अगर आपको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की एनपीएन टाइप बनानी है तो आप जो कलेक्टर एमिटर है वो एन का बनाएंगे, यानी कि मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ आप बनाएंगे, और आपसे बोल सकते हो कि इसमें इंप्योरिटी एडिशन जो है वो पेंटावेलेंट होगी। और अगर आप पीएनपी बनाते हैं तो ट्राइवेलेंट के लिए दो पीसेज में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एडिशन कर हम पीएनपी साइड बना लेते हैं। दोनों ट्रांजिस्टर्स का बिल्कुल सेम फंक्शन होता है, दोनों जो है वो सिमिलर फंक्शन करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सिग्नल के लिए यूज होते हैं। तो ये आपका इसका बेसिक फंक्शन है, मीटर का, बेस का और कलेक्टर का। एक्चुअली जब आप किसी भी पी एंड एन डोप्ड जो साइड्स होती हैं उन्हें ऐड करते हैं तो वहाँ पे सेंटर में एक आपके पास जंक्शन जो है वो बन जाता है, जहाँ पे आपके पास चार्ज कैरियर जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं सेंटर में, जिसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। तो जब कोई एक्सटर्नल इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई होती है तो वो पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो जाता है और वहां से डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, चार्ज कैरियर की डायोड वर्किंग शुरू कर देता है। तो सिमिलरली जब आप ट्रांजिस्टर के तीनों पोर्शंस को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर भी जंक्शन बनता है। इसमें एक जो जंक्शन है वो बिटवीन बेस और एमिटर बनता है, जिसको आप एमिटर बेस जंक्शन बोलते हैं, और सेकंड जो जंक्शन है वो बेस एंड कलेक्टर के बिटवीन बनता है। बेस इसमें कॉमन होती है, बेस बहुत थिन होती है, तो इसको कॉमन इसीलिए रखते हैं कि आपके पास एमिटर से जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हों सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए, एक तो सिग्नल इनपुट से आपकी जो इनपुट बैटरी सोर्स होगा वहां से जो सिग्नल आएगा वो तो होगा ही, साथ में इसमें जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी ट्रिगर हो जाएंगे और उसके साथ मिलकर सिग्नल को बढ़ा देंगे, और वो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्यूज करेंगे टुवर्ड्स बेस, क्योंकि बेस बहुत थिन होती है, यहाँ पे वो स्टे नहीं कर पाएंगे, और कलेक्टर जो है वो आपके पास यहाँ से फोरन उसको कलेक्ट कर लेता है, तो वो थ्रू बेस ट्रांजिट करती है टुवर्ड्स द कलेक्टर, और कलेक्टर पे वो आपके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्ट हो जाती है, तो हम यहाँ से अपनी आउटपुट देख लेते हैं। और यहाँ पे जो सेंटर में बेस को ऑपोजिट रखने का जो रीजन होता है वो यही होता है कि अगर हम यहाँ पर हमारे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे हम एक बिल्कुल ही अलग जो है वो टाइप यूज कर रहे हैं, बेसिकली आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होगी वो बेस अगर पॉजिटिव टाइप की होगी उससे उलट होगी तो वो फौरन उसमें जल्दी डिफ्यूज कर लेंगे। सिमिलरली अगर आपने एमिटर पी टाइप का है तो फिर आपको बेस एन टाइप रखनी पड़ेगी ताकि वो इसको अट्रैक्ट कर सके। तो इसी वजह से एमिटर से जितनी भी रिजेक्शन होती है वो थ्रू बेस में वो स्टे नहीं कर पाते थिन होने की वजह से, तो वो फिर सारे के सारे यहाँ से कलेक्टर भी ऑपोजिट साइड का होता है एज कम्पेयर टू बेस, ऑपोजिट होता है कलेक्टर भी, वो फौरन इसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो जितनी भी आपकी यहाँ से एमिटर से एमिशन होती है वो वाया बेस जो है वो कलेक्टर से कलेक्ट हो जाता है, इसी वजह से सेंटर वाले पोर्शन के साथ मिलकर ये दो जंक्शन बनते हैं बाइपोलर ट्रांजिस्टर में, जिसको हम एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन बोलते हैं। तो ये इस तरह से दो जंक्शन होते हैं आपके बाइपोलर ट्रांजिस्टर में, और ये सिंबल हैं इन दो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम जो ड्रॉ करते हैं इन सिंबल्स की हेल्प से हम शो करते हैं कि हमारे पास कौन सा ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ पर आपके पास जो ट्रांजिस्टर शो हो रहा है इसमें आपके पास ये एरो आउटपुट होता है हमेशा इस सिंबल के अंदर, आपके एमिटर के ऊपर एक एरो आपको नजर आ रहा होता है, ये एरो अगर आउटवर्ड है तो ऑब्वियस होगा कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, आप इस एरो से पहचानेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अगर ये एरो इनवर्ड होगा तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, और इस सिंबल से आपको पता चलेगा कि इस वक्त जो सर्किट में ट्रांजिस्टर है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। दोनों के फंक्शन में तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और इसमें होल्स, तो इलेक्ट्रॉन प्रेफरेबल होते हैं, इसलिए हम प्रैक्टिकली एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रेफर करते हैं। तो अब आई होप आपको जंक्शन की समझ आई होगी और सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है ट्रांजिस्टर की वो भी समझ आती होगी। अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। तो जब ये ट्रांजिस्टर बन जाता है, इस फॉर्म में होता है ट्रांजिस्टर, तो हम इसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं। सर्किट में कनेक्ट करने के लिए हम जो है हमेशा इनपुट यानी कि जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है
उस वोल्टेज की साइड पे हम एमिटर जो है वहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एमिटर हमेशा मीटर बेस जंक्शन इनपुट सर्किट में आता है। यहाँ से हम इसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे एमिटर को और वो एम्पलीफाई होकर हमें आउटपुट पर कलेक्टर से मिलेगी। तो जब यहाँ पर आप इनपुट में कोई भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो करंट सबसे पहले फ्लो करता है वो एमिटर करंट होता है, और एमिटर करंट जो है वो लार्ज आपके पास अगर उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करते हैं तो वो वाया बेस जब ट्रांसमिट होते हैं कलेक्टर की साइड पे, तो आपके पास कुछ जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे सारे डिफ्यूज कर जाते हैं टुवर्ड्स कलेक्टर साइड, बट फ्यू इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज नहीं कर पाते, वो बेस में मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेस करंट। तो पहला आपका होगा एमिटर करंट, वो एमिटर करंट जो सारा का सारा वो फर्दर डिवाइड होगा टू टाइप्स ऑफ करंट में, थोड़े बहुत जो रह जाएंगे वो एज अ बेस करंट और जो आपका बाकी फाइनल होगा वो एज अ कलेक्टर करंट होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो थ्री करंट फ्लो करते हैं, एमिटर बेस एंड कलेक्टर। एमिटर करंट जो होता है वो सम होता है हमारे पास कलेक्टर और बेस करंट का। तो यही इसकी मेन वर्किंग है कि आपके पास एमिटर से वाया बेस जो है वो कलेक्टर पर जाकर सिग्नल एम्पलीफाई होकर हमें मिलता है। इसी वजह से हम ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं कि एमिटर करंट इज इक्वल टू सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो इस वजह से हम इसको सम अप करते हैं। So this current equation is similar for the PNP and NPN transistor both. दोनों का function जो है वो बिल्कुल same होता है, उनमें कोई difference नहीं होता। I hope students आपको lecture समझ आया होगा। Thank you so much.